हाय गाइज, मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं बाइट शास्त्र चैनल। अगर आपके पास एक नॉर्मल टीवी है और आप चाहते हैं उसे एंड्रॉयड टीवी बनाना, तो आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में जिसको यूज़ करके आप इजीली अपने नॉर्मल लैपटॉप को, टीवी को या प्रोजेक्टर को स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है वो डिवाइस, कैसे वर्क करता है, क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर, जानेंगे हम सभी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। MI TV Stick एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप नॉर्मल टीवी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी स्लिम है और पोर्टेबल है, ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर हम इसकी बात करें लेंथ की, तो 92.4 mm की ये स्टिक है, जिसे आप इजीली अपने प्रोजेक्टर में, टीवी में, मॉनिटर में, जहाँ पे भी आपको HDMI पोर्ट मिलता है वहाँ पे उसे आप यूज़ करके अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके सेटअप की, तो ये काफ़ी इजीली सेट हो जाता है। आपको सिर्फ इसे प्लग करना होता है अपने टीवी के HDMI पोर्ट में या उस डिवाइस में जहां आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, वहां पे आपको सिर्फ चाहिए एक HDMI पोर्ट। उसमें प्लग करने के बाद आप इसे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आप फुल HD कंटेंट देखना शुरू कर सकते हैं। तो इसे सेट करना बिल्कुल ही इजी है। इसको पावर देने के लिए इसके साथ में जो ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने टीवी के USB पोर्ट से इसे पावर भी दे सकते हैं, मीन्स अलग से एक्सटर्नल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने USB पोर्ट से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसके बॉक्स पैकिंग की बात करें, तो इसके बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक MI स्टिक का डिवाइस, साथ में मिलता है आपको एक रिमोट और एक अडप्टर, पावर अडप्टर आपको साथ में मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए। तो अगर इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्वाड कोर का CPU आपको मिलता है, में 3.2 कोर GPU भी है, 1 GB की रैम इसमें आपको देखने को मिल जाती है, 8 GB इसमें रोम है, मीन स्टोरेज के लिए आपको 8 GB कैपेसिटी यहाँ पर मिलती है। अगर इसे कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई ड्यूल बैंड ये सपोर्ट करता है, इसमें ऑडियो डॉल्बी और DTS आपको मिलती है, पोर्ट इसमें HDMI और माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, वॉइस अनेबल रिमोट है इसका, और जैसा कि मैंने बताया इसकी डायमेंशन है वो 92.4 mm की यहाँ पे आपको मिलती है। इस डिवाइस में आप मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, मीन्स अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ हेडफोन है या ईयरफोन है उनको भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी रिमोट की, तो काफ़ी सिंपल सा लेआउट है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक प्लस वॉल्यूम अप डाउन का एक बटन मिलता है, साथ में आपको मिलती हैं 2 होट की, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो के कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट का एक बटन, जिसको प्रेस करके अगर आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स ओपन करना चाहते हैं, तो हम इजीली नेटफ्लिक्स वॉइस कमांड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। अगर इसके साउंड की बात करें, तो ये हमें प्रोवाइड करता है प्रीमियम सराउंड साउंड, इसमें आपको DTS और डॉल्बी दोनों ही मिल जाते हैं, जो आपके म्यूज़िक के एक्सपीरियंस को और बेटर बना देते हैं, मीन साउंड वाइज आपको यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, काफ़ी अच्छी साउंड है इस डिवाइस की। अगर इस डिवाइस के हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जैसे मोबाइल फोन एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, उस टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे सेटिंग में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, लोकेशन है, स्क्रीन सेवर है, क्रोमकास्ट इसमें इनबिल्ट है, गूगल असिस्टेंट है। आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, ईजिली इसे क्रोमकास्ट के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन इसमें ये भी फीचर्स है कि अगर आपकी कोई कॉल इन बिटवीन आपने कास्टिंग हुई है और अगर आपकी कोई कॉल आ रही है, तो बिना इंटरप्शन के आप उस कॉल को भी ले सकते हैं। आपका जो टीवी पे जो कंटेंट है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक अच्छा फीचर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। और काफ़ी हाई स्पीड स्ट्रीमिंग आप क्रोम कास्ट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे अपने फ़ोन को कास्ट करके भी आप किसी भी कंटेंट को अपने स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं MI TV के जो इसे यूनिक बनाते हैं कि नहीं दूसरी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस से। तो इस डिवाइस को आप इजीली फ्लिपकार्ट या अमेजन पे परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।